नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु स्वप्ना संपूर्ण खबर को जिबा पूर्वरो हेडलाइंस विजिलेंस पंजारे बासली साही अंगनवाड़ी दीदी संध्या रानी भत बासभवन समेत डेलांग स्थित श्वशुर घरे चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति झूल अभियोग रेड जारी रखी विजिलेंस पिला चोरी बेले महिला निर्धुम माड़ घरे पशि सोइथिबा शिशु को उठाई नेउथले महिला काबू करी हाथ गोड़ बांधिले लोके खोर्धा जिला बालुगा अंचल घटना पुलिस पहुंची महिला कला उद्धार राजधानी उपकंठरे चांचल्यकर मदर बनमालीपुर स्वामी को हत्या करी बाड़ी रे पोड़ी दला स्त्री तीन मास हला निखोज थिले निधिराम पाटी तुंड परे हेमदस्तारे छेची हत्या करितबा स्वीकार कला अभियुक्त जलेश्वर पुणि एटीएम लुट जामशुड़ी स्थित इंडिकास एटीएम रु गैस कटर से काटी टंका लुटिने दुर्बृत्त केते टंकार डकायती होई मिलनी सूचना घटनास्थल में सिंगला पुलिस छानबीन भक्त भाव विनोदियार महामिलन दीर्घ नौमास परे खोलिला श्रीमंदिर प्रथम दिन में महाप्रभु को दर्शन करुछंती सेवायतों परिवार कोविड कटकणा भितर दर्शन व्यवस्था 26 रु पूरी वासी को अनुमति परी हत्या घटना पोखरी रु मिलिला पॉलीथिन बंधा तीनोटी लेगिंस ओड्राफ और अग्निशम जल निष्कासन परे बाहरिला नाबालिकार कपड़ा फोरेंसिक जांच पई पठाइबो एसआईटी एवं कंधमाल रे हाड़ भंगा शीत दुई दिन हेला 5 डिग्री तळकु रहुछि जिल्लार तापमात्रा सकाळु विभिन्न स्थान रे देखा देतिला तुषारपात प्रबल थंडा जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त विजिलेंस जलरे बासली साही अंगनवाड़ी दीदी संध्या रानी भट पुरी विजिलेंस पक्षरु संध्या रानी को घरे चढ़ाऊ करा जायछि आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग चढ़ाऊ जारी रही पौतृक घर समेत हाथीशाल चारि महला बिल्डिंग सामंग मौजा मंगला हाटर अट्टा मिले रेड कर विजिलेंस बाली अंगनवाड़ी केन्द्र तथा डेलांग हाट साही श्वशुर घरे चढ़ाऊ जारी रही तबे विजिलेंस जलरे बासली साही अंगनवाड़ी दीदी संध्या रानी भट पुरी विजिलेंस पक्षरु संध्या रानी को घरे चढ़ाऊ करा जायछि आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे पौतृक घर समेत हाथीशाल चारि महला बिल्डिंग सामंग मौजा मंगल हाटर अट्टा मिले रेड कर विजिलेंस बाली साही अंगनवाड़ी केन्द्र तथा डेलांग हाट साही श्वशुर घरे चढ़ाऊ कर विजिलेंस ते वर्तमान बड़ खबर जहाँ पहुंचुची विजिलेंस जलरे बासली साही अंगनवाड़ी दीदी संध्या रानी भट पुरी विजिलेंस पक्षरु संध्या रानी को घरे चढ़ाऊ करा जायछि आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे चढ़ाऊ जारी रहिछि तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे पुरी रोम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक जहाँ सूचना रहिछि विजिलेंस जलरे बासली साही अंगनवाड़ी दीदी संध्या रानी भट तबे अधिक अपडेट कोन रहिछि विजिलेंस केउठी केउठी चढ़ाऊ जारी करछि स्वप्ना बर्तमान जहाँ बड़ खबर आसी पहुंचुची आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करने अभियोग अंगनवाड़ी दीदी जी रही संध्या रानी भट्ट पूरी विजिलेंस तरफ चढ़ऊ जारी रही विजिलेंस तरफ चढ़ऊ जारी रही जहाँ सूचना प्राथमिक भाव में आसी पहुंची बर्तमान पैतृक घर समेत जो चारि महला कोठा थी विजिलेंस चढ़ऊ जारी रखी समंग मौजार एक अट्टा मिले कौन संप्रति रही जेहेतु अट्टा मिल रहा उठू अट्टा मिले कौन संप्रति रही अट्टा मिल उपर मध्य चढ़ऊ जारी रही जो रही अंगनवाड़ी केन्द्र सेठार चढ़ऊ जारी होती शशुर घर डेलांग हाट साही जो रही चढ़ऊ जारी रही जहाँ सूचना आसी पहुंचुची गुप्त सूत्र विश्वस्त सूत्र लक्षाधिक टंकार गोटे हेरफेर कहले अत्युक्ति हम जहाँ सूचना आसी पहुंची और विजिलेंस अकाउंट को जांच करुची अनेक अकाउंट को जबत करी जहाँ अनुमान कर लक्ष लक्ष टंकार कौ अकाउंट को ट्रांजाक्शन बहुत हुए से विजिलेंस तरफ चढ़ऊ जारी रही कि प्रश्न उठू स्वप्ना जड़े अंगनवाड़ी दीदी किभली भाव में एत टा रखिले बर्तमान तो कौन से संपृक्त बरणी आम पाक मिली नहींपर कौन बरणी आमको मिली ना विजिलेंस तरफ कौन कौन सब संपत्ति चढ़ऊ कराई कि जहाँ प्राथमिक सूत्र खबर आसी पहुंचुची तर अनेक बैंक आकाउंट को जबत कराई अनेक बैंक आकाउंट अनेक टाँह जबत कराई तेज आउ कि समय पर स्पष्ट हम कौन कौन सब जबत कराई के जबत कराई कौ अभोग जबत कराई पूर्व विजिलेंस ना कि अभोग कटा जहाँ तरफ विजिलेंस तत्परता देखिए आलोक जहाँ सूचना रही लक्ष लक्ष
ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦୁର୍ଗା? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାସିଲି ସାହିରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ସେ ବାସିଲି ସାହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଅକ୍ଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ଘରବାଡ଼ି ଅଛି, ଯୋଉ ସବୁ ଚାରିମହଲା କୋଠା ଧରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଯୋଉ ଯିଏ ପ୍ରଭାତ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ହଉଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଖାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ବନ୍ତଳ ସିଂ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ମିଳିନି, ତଥାପି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେଠୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜମିବାଡ଼ିର ବହୁତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଗା, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଚାରିମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସାମଙ୍ଗ ମୌଜା ମଙ୍ଗଳାରେ ହାଟ ଥିବା ଅଟା ମିଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଅଟା ମିଲ୍ରେ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି, ତାପରେ ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯୋଉଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ବନ୍ତଳ ସିଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହେଇକି ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଯେଉଁ ବାସେଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ସେମିତି ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାହା ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉ କୋଉ କୋଉ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ହଉ କାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବାସେଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ତେବେ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘର ସ୍ଥିତ ଏବଂ ହାତୀଶାଳରେ ଥିବା ଚାରିମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜ ମୌଜା ମଙ୍ଗଳ ହାଟରେ ଥିବା ଅଟା ମିଲ୍ରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ପିଲା ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା, ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା ଖାଇବା ପରେ ବାଲୁଗାଁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଶୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, ଚୋରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପିଲା ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା, ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା ଖାଇବା ପରେ ବାଲୁଗାଁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଶୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, ଚୋରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ।
दीर्घ 9 मास परे खोलिला श्रीमंदिर भक्त और भगवान को हेला महामिलन। प्रथम 3 दिन सेवायत परिवार को दर्शन अनुमति मिली। आज प्रथम दिन में महाप्रभु को दर्शन करी आत्मतृप्ति लाभ करिछंती सेवायतों परिवार वर्ग। से परि आसंता 26 रु पुरीवासी को दर्शन सुजोग दिजिव समस्त परिचय पत्र सह टोकन जरूरी हो। जनवरी 3 रु पुरी बाहर भक्त को दर्शन अनुमति। 65 वर्षरु अधिक और 10 वर्षरु कम पिला कोरोना संक्रमण दृष्टि दर्शन पर बारण कर। तबे प्रशासन प्रस्तुत करिथिबा वार्ड आरी तालिका अनुसार आसंता 26 तारिखु पर्यायक्रमे जगाकुर दर्शन करिपारिबे वार्ड बासिंदा। एहापर 31 तारिख जाए वार्डवासी को दर्शन सुविधा मिलिबो। सहायता लगी प्रति सिफ्ट्रे प्रतिहारी निजोग्र 15 जन स्वेच्छासेवी नियोजित हेबे। राजधानी उपकंठ बालीपाटना थाना बनमालीपुर गाँव में चांचल्यकर हत्याकांड। स्वामी को हत्या कर बारी में पोड़ी देला स्त्री। बालीपाटना पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ कर। मृतक बनमालीपुर गाँव निधिराम गिरी। 3 मास हेब निधिराम निखोज थिले तांकु हत्या करथिबा कथा पुलिस आगे स्वीकार करिछंती स्त्री लिली। स्वामी स्त्री मध्यरे कोनोसी कारणरु पाटी तुंड होइथिला। एथिरे स्त्री लिली उत्क्षिप्त होइ एक हेमदस्ता पुआरे निधि मुंड को पिटी देइथिले। मुंडरे आघात लागि निधि निस्तेज होइ जाइथिला। निस्तेज शरीर को बाड़ी रे पोड़ी देइथिला लिली। घटनास्थल रे अधा पोड़ा मुंड हाड़ पड़ रही। पुलिस लिली को अटक रखी अधिक पचरा उचरा करुछि। बालेश्वर जलेश्वर में पुणी एटीएम लुट। गैस कटर रे काटी एटीएम रु टंका लुटिनेले दुर्बृत्त। सिंगला थाना अंतर्गत जामसुली छक इंडिकास एटीएम रु गतकाली विलंबित राति रे एही लुट होईछि। स्थानीय लोके खबर देबा परे सिंगला पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करुछि। तेबे केते टंकार लुट होईछि से नै सूचना मिलि पारि नाही। संबलपुर जिला पिंडा पथर निकटरे बंधुक मुनरे लुट। बामरा गड़पोष मुख्य रास्तारे जणे व्यवसायी को लक्षाधिक टंकार लुट होईछि। एहासह सुना चेन और मोबाइल फोन छड़ाई नहीं दुर्बृत्त। गोविंदपुर थाना मोहुल छापल गाँवर आशीष पटेल घनसरार एक दोकान करिछंती। से नगद 1,30,000 टंका नहीं निज दोकान को एक लुनारे बाहरी थिले। हेले पिंडा पथर रे 2टी बाइक रे 4 जन दुर्बृत्त आसी तांकु अटकाई बंधुक देखाई भयभीत करिथिले। एहापर आशीष को आक्रमण करी तांकठारु टंका और सुना चेन लुटि नेथिले। एने अभियोग हेबा परे गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। बालेश्वर कमरदा बाजार रे भयावह अग्निकाण्ड। निया लागि कमरदा बाजार रे जळिगला 4टी दुकान। आज भोरु कमरदा थाना कमरदा बाजार रे थिबा 2टी फळ दुकान एवं 2टी जळखिया दुकान मध्य पोड़ी भस्मीभूत हो जाइछि। तबे स्थानीय लोके निया को आयत करबा पई चेष्टा करथिले मध्य निया लिभाइबा संभव होइ नथिला। परे अग्निशम विभाग पहुंची निया को आयत करथिला। तबे अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट थिबा बेले लक्षाधिक टंकार सामग्री पोड़ी पांश हो जाइथिबा सूचना मिलिछि। ढेंकनाल बनखंड मुक्तापसी फॉरेस्ट सेक्शन कंकली गाँव में हाथी आतंक। अजय साहू और रंजन पात्र धान खड़ा और बाड़ी रे गत राति रे हाथी पल पशी व्यापक धान पनीपरिया खाइबा सह दली चकटी नष्ट करिछंती। वन विभाग को हाथी आसिबार खबर फोन जोगे जणाइथिले मध्य एपर्यंत वन विभाग पहुंची नथिबा क्षतिग्रस्त चासी अभिजोग करिछंती। एहासह हाथी उपद्रव रोकिबा दिगरे नियोजित थिबा वन कर्मचारी कार्यरे अबळा करथुबा बेले क्षतिग्रस्त चासिंकु सहायता देबारे वन विभाग विलंब करथुबा अभिजोग होईछि।
आज चांदीपुर प्रतिरक्षा गवेषणा प्रतिष्ठान समन्वित परीक्षण केन्द्र एक उन्नत मान मिसाइल परीक्षा कर डीआरडीओ परीक्षण केन्द्र ठार अढ़ाई किलोमीटर दूरता मध्य चारोटी पंचायत छंड गांव लोक अस्थायी रूपे विस्थापित कर खुड़ुपाही जयदेवक सभापाही कुसुमूली भीमपुर पाही तुंडुरा पाही एवं शाहदा नगर रु पाखापाखी 8,000 लोक परीक्षा सरिबा पर्यंत अस्थायी भाव चारोटी बात्या आश्रय स्थल रखा जिला प्रशासन पक्षर व्यवस्था कर गतकाली माइक जोगे प्रचार कर गाँ लोक जणाई दि जाइला आज सकाळ 5:30 लोक स्थानांतरित प्रक्रिया आरंभ हो एथिपाई प्रति बड़ लोकंकु मुंड पिछा 300 टंका छोट पिलांकु 150 टंका खाद्य बाबदरे 40 टंका आमोद प्रमोद पाई बड़ंकु 15 एवं छोट पिलांकु बाबदरे 10 टंका प्रतिरक्षा विभाग पक्षरु दिया जिवो सेहीपरी घरे चाबी पक्का बाबदरे प्रति परिवारकु 40 टंका गोखाद्य पाई 100 टंका एवं चिंगुड़ी घेरीरे काम करुथुबा प्राय 2529 जणंकु मुंड पिछा 300 टंका करी दिया जिवार व्यवस्था होईछि तबे केउ मिसाइल परीक्षा करा जिवो से नै तथ्य गोपन रखा जाइछि। परीकु हत्या करी तार लेगिंग्स को फिंगा जाइथिबा पोखरीरु एक पॉलीथिन बंधा तीनोटी लेगिंग्स मिलची ओड्राफ और अग्निशम विभाग पक्षर एक पोखरी दिन तमाम पा निष्कासन पर विलंबित राति लेगिंग्स को बाहर ओड्राफ टीम तेरे सरोज को कोर्टे हाजर करा पूर्वर एक पोखरी अभियुक्त को डेमो देखा अणाइवा बेले से डेमो देखा मना कर गत 21 तारीख में पोखरी जल निष्कासन स्थगित रही गत काली दिन तमाम एक पोखरी जल निष्कासन पर सुखिला पोखरी एक पॉलीथिन भितर तीनोटी लेगिंग्स मिलता मात्र यह लेगिंग्स प्रकृत में से दिन परी पिंधि लेगिंग्स की नुहे से नहीं कौन स्पष्ट हो नीर माँ बापा एने स्पष्टीकरण देवापर जमापड़ अन्य पक्षे लेगिंग्स को खोजी बाहर करिबारे सफल होइथिबा कहिछन्ति ओड्राफ अधिकारी सेपटे पोखरी लेगिंग्स उद्धार पर घटनास्थल में पहुंची गणमाध्यम सामने प्रतिक्रिया रखिछन्ति एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा टीम वर्क कौन सा लोक एका कम करेसन आम ठीक भाव करोटा मुझे प्रथम भी कही आगु भी कही बहुत कम समय आमको मिलला आम उपर बहुत मीडिया रो लोक बहुत ग्लेयर थी मान लोक देखु थे कौन करमें भी मुझे जस्ट मुझे पूरी फेरी पूरी जा ठाकुर मुंड मारे मु भगवान को भी धन्यवाद देउछि कि हमको टिके सफल कले काम आम ठीक करी पारलु बट इट्स ए टीम वर्क एंड इट्स अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर थिंग दिस इज जस्ट द बिगनिंग दिस इज नॉट द एंड एटा आम इन्वेस्टिगेशन करुछु आउरी टाइम मिलिबो आउरी इन्वेस्टिगे आउरी एविडेंस कलेक्शन करा जिवो तापर आम माननीय न्यायालय पाखरे चार्जशीट सबमिट करिवो तापर न्यायालय ता उपरे विचार करके फैसला करेंगे जोटा सरकार चाहूला जो लेगिंग्स जो सकाल पर पानी सुखा चली सफल है मोर जो कर्मचारी मैंने मुझे ये धन्यवाद देवी जेहेतु आम हाविलदार एस के पंडा द्वारा ये पिला जो विवाह कर सर्चिंग कले सर्चिंग भितर प्रथम गोटे 5-7 मिनट भितर पाईगले से आम टीम को धन्यवाद देवा सहित प्रशासन को धन्यवाद दूसरी ब्रिटेन फेरंतांक लागि एसओपी जारी करिछंती राज्य सरकार ब्रिटेन 14 दिन भितरे फेरिथिले व्यक्तिंक पई आत्मघोषणा फॉर्म पूरण करबा जरूरी कहिछंती राज्य सरकार एहा सह ब्रिटेन दे अन्य स्थानरु केही फेरिथिले सेमानंक पई मध्य एही फॉर्म पूरण जरूरी रहिछि एहा सह सेमानंकु 14 दिनिया होम क्वारंटाइन रे रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि क्वारंटाइन समय रे कोनोसी लक्षण देखा गले आरटीपीसीआर रा टेस्ट कराइबाकु परामर्श दिया जाइछि। राष्ट्रपति भावे डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल शेष हो आसुवा बेले चीन विरोध में नेउथुबा गोटिए परे गोटिए पदक्षेप एवे चर्चा रखी अल्प किछि दिन तले चीन रो केतेक बड़ कंपानी को आमेरिकार ट्रंप प्रशासन कला तालिकाभुक्त करिथिला एबे चीन अधिकारी अतिरिक्त वीजा कटकणा जारी करिछि अमेरिका
चीन उपरे अमेरिकार पुणी एक कटकणा राष्ट्रपति पदर विदाय नवा पूर्व ट्रंप को कड़ा पदक्षेप चीन अधिकारी अतिरिक्त भिसा कटकणा जारी कला अमेरिका मानविक अधिकार उल्लंघन पर अमेरिका लागू करिछि एही कटकणा राष्ट्रपति भावे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शेष हो आसुवा बेले चीन विरुद्ध ने गोटे पर गोटे पदक्षेप एवं चर्चा रखी अल्प किछिदिन तले चीन रो केतक बड़ कंपानी को अमेरिकार ट्रंप प्रशासन कला तालिकाभुक्त करिथिला काहेकि ना सेही कंपानी गुड़िक अंतर्जातीय श्रम आईन को बेखातिर कर श्रमिक मानू जबरदस्त सेमानक कारखाना खटाइबार अभियोग रही एबे चीन रो अधिकारी विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य मानक अमेरिका जारी करिछि अतिरिक्त भिसा कटकणा मानविक अधिकार उल्लंघन करुथिबारु ए कटकणा जारी करा जाइछि बोली अमेरिका प्रकाश करिछि आगो को ए कटकणा आहुरी कड़ा कराजियो बोली कहिछन्ति ट्रंप को विदेश सचिव माइक पोम्पियो पोम्पियो कहिछन्ति चीन रे धार्मिक संख्यालघु एवं सरकार विपक्षवादी को टार्गेट करा जाउछे नागरिकों मत सब्यस्त करिवारो स्वाधीनता नहीं यहाद्वारा मानविक अधिकार क्षुण्ण होउछे जो माने मानविक अधिकार क्षुण्ण करुछन्ति सेमानकु अमेरिका केबे प्रवेश करिबाकु अनुमति देबो नहीं तेबे अमेरिकार एक पदक्षेप को समालोचना करिछि चीन अमेरिका भिसा युद्ध चलाइछि बोली आरोप लगाइछि बेजिंग ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज मुख्यमंत्री दुर्नीति विरोधी आह्वान को विरोधी कड़ा समालोचना 20 वर्ष शासन में रहिबा परे एबे दुर्नीति विरोध में लड़ाई करिबा कथा कहिबा हास्यास्पद बोली बीजेपी कहिछि कांग्रेस कहिछि एहा एक आई वाज बीजेडी कहि एहा द्वारा स्वच्छता आसिबो एवं भल परंपरा सृष्टि हेबो आमे 91 जन करप्ट ऑफिसर को चाकरी रू डिसमिस करी छु पेंशन बंद करी छु आमे आगु को ए लड़ाई को आउरी जोरदार करिबु दुर्नीति को सफा करिया पई लड़ाई करिबा को आह्वान देउछंती बीजेडी सुप्रीमो तबे प्रश्न भाषण रे सीमित रही जीवन नहीं तो ए आह्वान सतरे कौन हटव दुर्नीति 2011 डाली दुर्नीति आरंभ कर कोविड किट केलेंकारी जाए सरकार सरकारी बाबू और नेता मंत्री ना आसी दुर्नीतिर पुला पुला अभियोग नजर पकातु किसी प्रमुख दुर्नीति और यार कार्यानुष्ठान 2011 मसीह डाली दुर्नीति 32 क्रिमिनाल केस है विजिलेंस द्वारा तदंत कर गंजाम जिलार तत्कालीन जिलापा समेत अनेक विरोध में अभियोग आसला हेले जनक भी गिरफ्त कराला बाबू भूल कले हेले इस्तफा दे मंत्री प्रमीला मल्लिक 2011 मसीह मनरेगा दुर्नीति अभियोग आसीला 6 जिलार जिलापा नाँ 88% पर्यंत अर्थ तोषारपात सांघातिक अभियोग पर भी कार्यानुष्ठान शून 60,000 कोटी टंकार खनि दुर्नीति अभियोग साहा कमिशन कहिले बड़ दुर्नीति होइछि बड़ बड़ नेता और सरकारी अधिकारी भी संपृक्त थिबा कथा कहिले कमिशन हेले एठी भी कार्यानुष्ठान शून 2013 चिटफंड महाघोटाला प्राय 2,00,000 कोटी दुर्नीति नेता मंत्री संप्रति अभियोग पर भी क्राइम ब्रांच रो हाथ खाली थिला परे किछि नेता गिरफ्त कला सीबीआई एबे सबुठ चर्चित कोविड किट केलेंकारी जो थे बड़ बड़ बाबू संप्रति अभियोग थिले भी तदंत हेला नाही एबे नजर पकांतु केते बाबू ना रही दुर्नीति संपर्कित केस खोद विधानसभा रे सरकार रखिथिबा तथ्य कहुछि 2019 सुधा 6,817 जन सरकारी अधिकारी ना विचाराधीन रही दुर्नीति विरोधी मामला से आउ एक तथ्य कहि प्राय 9 जन आईएएस अफिसर को मिसाई 225 जन बड़ बाबू ना रही दुर्नीति मामला दुर्नीति में फसी सरकारी बाबू को नहीं टार्गेट करिसेंती विरोधी प्रचंड भ्रष्टाचारी सरकार मुख्य भाव से जितने भ्रष्टाचार विरुद्ध आम लड़े करूँ बोली कथ कहते से गुड़िक लंकार हरिशब्द भाई पूरा शुणा जाए 10 वर्षर कंपेरेटिव स्टेटमेंट तर वेल्थर एवं डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम ये जोड़िए कथा को पब्लिक करेंगे एवं बेनामी प्रॉपर्टी बाबद तदंत निष्पत्ति ने ये जोड़िए कथा जदि करेंगे जनापड़ राज्य सरकार वास्तव में चाहूंट राज्य भ्रष्टाचार हटू बोली दुर्नीतिग्रस्त लोक मान नवीन बाबू खोजिकी लोड़ी आणती एम एल ए करती तार प्रमाण मो पाखे अच्छी
ଏମିତି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର କାଳେ ଚାପ ଇଏ ହେଇଯିବ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁକି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇକରି କେମିତି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କାମଳ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଯିଏ ହଳଦିଆ କାମଳ ଯାହାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ କାମଳ ଦେଖାଏ, ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ କୁହାଇନି, ବିଜେଡି ଖାଲି ଯେଉଁ ମାନେ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଇନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ସନ୍ଦେହର ଆମେ ତ କାହାକୁ କି କାହାକୁ କରୁନି, ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା, ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କମିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ବରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି SRC ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, RDC, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ 2-3 ଧରି ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା। ନର୍ମାଲରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଆମର ସକାଳ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ତଥ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 4.0 ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳରେ 5.6। ଏମିତି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ 12 ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା କମ୍। ଏ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥିତି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ତୁଷାରପାତଟା, ତୁଷାରପାତ ସେଇଟାକୁ ନୁହେଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବାର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କାକରଟା ମାଟି ତଳେ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେଇଟା କିଛି ହାଲକା ଭାବରେ ଯେମିତି ଲାଗି ଯେମିତି ବରଫ ହେଲା ଭଳିଆ, ସେଇଟା ବରଫପାତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହଁ, ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏମିତି ଶୀତ। ବିଲୁ ନର୍ମାଲରୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେସନରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।